हेलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में ये सेट टू का पार्ट टू है। लास्ट वीडियो में हमने सेट टू का पार्ट वन किया था, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम अगेन 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त में एक्स लघुवृत्त खंड में स्थित कोण है, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त है, मान लीजिए मैं ये वृत्त बनाता हूँ, इसमें एक कोण है, ये है एक लघु वृत्त, ठीक है? ये छोटा भाग जो है ये है लघु वृत्त, ये है बड़ा भाग, ये है दीर्घ वृत्त। तो मान लीजिए एक कोण बनाया मैंने, ये को नाम दिया मैंने एक्स, और एक दीर्घ वृत्त में बनाया कोण, इसको नाम दिया मैंने वाई। तो इनमें क्या संबंध है? देखिए, जब भी कोई वृत्त में एक चतुर्भुज बनता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चक्री चतुर्भुज। और हमें पता है कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं, उन दोनों का योग 180 अंश होता है। तो एक्स और वाई, ये दोनों एक्स प्लस वाई, इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी तरह ये कोण और ये कोण का भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, एक्स और वाई में क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर थ्री, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समतल में रेखा एक्स है, ठीक है, जैसा जैसा वो कह रहा है हम यहाँ पे ड्रॉ करते जाएंगे। एक रेखा बनाई हमने, इसको नाम दिया एक्स। आगे दूसरी लाइन क्या बोल रही है, रेखा वाई के अनुलंब है, एक्स जो है वाई के अनुलंब है। अनुलंब मतलब जो ये है वाई, जो एक्स पर लंब है, ठीक है, या अनुलंब है, एक ही बात है। और रेखा जेड के समांतर है, एक्स जो है वो वाई के अनुलंब है और जेड के समांतर है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि वाई के समांतर है या एक्स के। तो एक्स जो है वाई के अनुलंब है और जेड के समांतर है। तो एक्स वाई के अनुलंब बना दिया हमने, अब क्या बनाएंगे, समांतर। तो एक्स के समांतर एक रेखा खींच देंगे, ये इसका नाम रख देंगे हम जेड। अगली लाइन है, रेखा यू, रेखा भी और रेखा डब्लू दोनों के अनुलंब है। अब देखिए, यू भी डब्लू और यहाँ पर है एक्स वाई जेड, इनमें कोई संबंध नहीं है, तो हम इसको स्किप करेंगे और आगे पढ़ेंगे। रेखा एक्स रेखा भी के अनुलंब है। देखिए, एक्स हमारे पास है जो भी के क्या है, अनुलंब है। एक्स ये है और भी के अनुलंब है, मतलब भी को हम यहाँ पे एक लंब रेखा बना देंगे, इसका नाम रख देंगे भी, ठीक है। अब पढ़ेंगे पिछली लाइन, रेखा यू रेखा भी और रेखा डब्लू दोनों के अनुलंब है। अब भी के अनुलंब बनाना है यू, तो वी ये है, तो यू हम एक अनुलंब बना देंगे, रेखा वी के ये बन गई यू। और रेखा यू क्या है, भी के अनुलंब है और डब्लू के भी अनुलंब है, तो यू है यू के अनुलंब, एक और रेखा यहाँ पे बना देंगे हम, उसको नाम दे देंगे क्या, डब्लू। अब देखिए, एक एक हमें ऑप्शन उठाने हैं और फिर आंसर टिक करना है, ठीक है। तो क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? पहली लाइन पढ़ते हैं, जेड यू और डब्ल्यू के समांतर है। जेड ये है, जेड यू और डब्ल्यू के समांतर है, तो जेड यू के समांतर लेकिन डब्ल्यू के समांतर नहीं है, डब्ल्यू के अनुलंब है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या है, एक्स भी और वाई के समांतर है, यहाँ पर एक्स है भी और वाई के समांतर है, नहीं है, अनुलंब दिख रही है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है, जेड भी और यू सभी डब्ल्यू के अनुलंब है, तो जेड भी यू यू देखिए ये, और डब्ल्यू के अनुलंब है, बिल्कुल नहीं है, दो समांतर हैं और दो अनुलंब हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। चौथा ऑप्शन है, वाई भी और डब्ल्यू के समांतर है, तो वाई ये है भी और डब्ल्यू ये है, तीनों समांतर हैं, तो ऑप्शन नंबर फोर इज़ करेक्ट, ठीक है, ऐसे करना है इसको। अगला है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की जाती है, ठीक है। मान लीजिए व्यक्ति का वेतन पहले क्या है, 100 100 रुपये, उसके वेतन में 10% की कमी की, तो उसका वेतन कितना हो गया, 90 हो गया। अब अगले माह उसी वेतन को पाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है, पहले 100 था तो 90 बचा, अब हमें क्या करना है, 90 से फिर से उसको 100 रुपये बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए, 90 से 100 करेंगे मतलब कितने की वृद्धि कर रहे हैं हम, 10 की कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 90 से कर रहे हैं, तो 10/90, और इसका परसेंट निकालेंगे into 100, ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना जाएगा, 9 * 9 = 1, 9 * 9 ये बचा 1 और नीचे 9, ठीक है, 11 सही, 1/9%, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है, एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। एक छात्र ने आयत का परिमाप निम्नवत प्राप्त किया, परिमाप 6 × 2 सेंटीमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर, यह त्रुटि है। एक बच्चे को सवाल दिया गया जिसमें उसे परिमाप निकालना था, लेकिन उसने क्या फॉर्मूला लगा दिया, क्षेत्रफल का, कैलकुलेशन भी सही की है, 6 × 12, ठीक है, उसको ये भी पता है क्षेत्रफल कैसे निकालते, लेकिन उसे परिमाप और क्षेत्रफल में कन्फ्यूज़न है, मतलब उसे पता नहीं है परिमाप होता क्या है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है,
तो उसकी ये त्रुटि कौन सी है? संकल्पनात्मक मतलब कॉन्सेप्चुअल, तो ऑप्शन नंबर 4। यदि एक संख्या को 13 से भाग दिया जाए, अब हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम इसमें। 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल एक बचता है, यहाँ पर एक है, एक रहता है, तथा भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। यदि संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 13 से भाग दे रहे हैं मतलब 13 इंटू भागफल हमें नहीं पता यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? के मान लेते हैं, धन शेषफल 1, ये हमारे पास कितना आ गया? 13k+1। अब अगेन क्या कर रहे हैं, भागफल को 5 से भाग दिया, भागफल क्या है हमारे पास? k है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 5k1 लिख सकते हैं अगेन, धन शेषफल कितना है? 3, ये आ गया। हम k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? 13, k की वैल्यू हमने यहाँ से रखी तो 15k1+3+1, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी 15 नहीं है, हाँ 5 है, तो 65k1+39+1, ये आ गया कितना? 65k1+40। अब हमें क्या करना है, इसको 65 से विभाजित किया जाना है, तो 65 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये 65 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास कितना शेषफल बचा? 40 बच रहा है, आंसर क्या है? 40। अगला क्वेश्चन है 2x = 4y, इसमें क्या करना है, हमें जेड की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2x = 2 लिख सकते हैं 4 को, ये वाई, ठीक है, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। यहाँ से देखिए बेस तीनों के समान है तो घातें क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो x = 2y = 3z, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, हमें जेड का मान निकालना है यहाँ पे, तो हम क्या यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू z के टर्म्स में ज्ञात कर सकते हैं, तो x = क्या है? 3z, ठीक है, समीकरण 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं 2y = 3z, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3z/2। अब x और y की वैल्यू हम इस समीकरण में रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/2 × 3z + 1/4 × यहाँ पर क्या था, 3z/2 + 1/6z = 24/7, ये आ गया अपना 1/6z+, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल ये, और यहाँ पे भी आ गया 6z + 1/6z = 24/7, ये आ गया अपना 6z, ये 1, 2, 3, 3 = 24/7, ये 3 पे चला गया, यहाँ से आ गया कितना z = 24 × 2/7, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 7/48, ऑप्शन नंबर 3। अगला है a+b = b+c, c+ ये हमें दिया है, ठीक है, हमें क्या करना है, c का मान निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? a+b = 6x लिख सकते हैं, b+c = 7x लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं c+a = 8x, ठीक है। अब हम इनको मान लीजिए ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? a+b+c, और ये तीनों दो दो बार हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया कितना? 8, 7, 8, 6, 14, 7, 21x, यहाँ से हमारे पास a+b+c की वैल्यू निकल के आ गई 21x/2, ठीक है, हमारे अनुसार a+b+c की वैल्यू आई 21x/2, ठीक है, समीकरण 1। और दूसरी क्वेश्चन में a+b+c की वैल्यू दी है क्या? 14, ये दो समीकरण हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि तीन दोनों क्या हैं, a+b+c की वैल्यू है, तो यहाँ से 21x/2 = हो जाएगा 14, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी कितनी, ये हो जाएगा 28/21, 7 से चला जाएगा, 7 × 28, 7 × 21, 4/3, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में हम यदि रखते हैं a+b कितना निकल के आ जाएगा, 6, x की वैल्यू 4/3, ये 3 × 6, ये आ गया 8, a+b हमारे पास है 8, हमारे पास a+b+c भी पता है कितना, 14 है, तो यहाँ पर हम a+b की वैल्यू रख सकते हैं 8, तो 8+c = हो गया 14, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो आंसर 1। ये देखिए 1^3 + 2^3 + 3^3 + 10^3 तक दिया है, इसका मान है 3025, हमें क्या इसका मान निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है 2^3 + 4^3 + 6^3 + 10^10 + 20^3, इसकी वैल्यू निकालना, हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं 2^3, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2^3 बचेगा प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो कितना आया 3^3 + 10^10
और ये 10 की पावर 33। अब हमें पता है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 3025, टू की पावर 3, ये हो गया 3025। 2 की पावर 3 का मान पता होता कितना होता है, 8, 8 × 3025। इसको सॉल्व कर देंगे कितना जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 × 8 = 200 और ये 8 × 3 = 24, 24 × 200, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, इसमें पाई चार्ट दिया है जिसमें कि परसेंटेजेस में दिया हुआ है कपड़े, ईंधन, शिक्षा, अन्न और किराया और भोजन, ठीक है। इसको क्या करना है हमें, कौन से तीन व्यय मिलकर 108 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। अब हम 108 डिग्री को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए पहले हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इससे हम आसानी से आंसर लगा सकते हैं। तो 108 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 108/360, ठीक है, 360 डिग्री होता है वृत्त में, तो 108/360 × 100 कर देंगे, परसेंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको करेंगे, 4 से कैंसिल करता हूँ तो कितना जाएगा, 4 × 2 = 8, बचा 2, 4 × 7 = 28, 4 × 9 = 36 = 0, 3 × 3 = 27, ये 33, ये 10 पे चला गया, 10 से ये की काटा, ये आ गया 30%, 30%। अब हम देखिए आसानी से इसको टिक कर सकते हैं, यहाँ पे 30% का केंद्रीय कोण बनाते हैं, जो कौन से व्यय, आप इसको जोड़ सकते हैं, 9 और 15 कितना हुआ, देखिए 9 और 6 = 15, 15 = 15 = 30, तो ईंधन, शिक्षा और अन्य ये मिलकर 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए ईंधन, शिक्षा और अन्य कहाँ लिखा है, ईंधन, शिक्षा और अन्य, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर। अगला है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया है, तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काट रहे हैं, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा, 1 की घात 3, ठीक है, घन का आयतन का सूत्र क्या है, भुजा की घात 3, तो 4 की पावर 3 = 64 आ गया घन का आयतन सेंटीमीटर की घात 3। अब 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया तो कितने बनेंगे, 1 सेंटीमीटर वाले घन कितने बनेंगे, घन का आयतन कितना होगा, 1 की पावर 3 = 1, तो कितने हो जाएंगे, 64/1, ये हो गया 64 घन आ गया। अब हमें क्या करना है, इन सभी छोटे घनों के पृष्ठी क्षेत्रफल का योग निकालना है, यहाँ पे क्या है, संपूर्ण है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठी क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 a^2, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 6 × और टोटल हमारे पास घन कितने हैं, 64, एक घन का संपूर्ण पृष्ठी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 × 1^2, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 64 × ये कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 24 और 6 × 6 = 36, 36 × 2 = 38, ये आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो ये था यूपी टेट पार्ट 2 का सेट 2, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, जल्दी हम पार्ट 3 लाने वाले हैं जिसमें हम अगेन 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।